ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो यू कैन रेफर टू दोस वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ए के इक्वल है, और सम ऑफ क्यू टर्म्स B के इक्वल, और सम ऑफ R टर्म्स इज इक्वल टू C। अब तुम्हें मालूम है कि हम लोग जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को A कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहां पर हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा अल्फाबेट A दिया हुआ है एज सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, तो हमने A को फर्स्ट टर्म नहीं लेना, हमने कुछ और एज्यूम करना है एज फर्स्ट टर्म। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस हम डी ही ले लेते हैं क्योंकि कॉमन डी तो कहीं यूज हुआ नहीं हमारे क्वेश्चन में। अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्यू एंड आर टर्म्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स दिस इज गिवन टू बी ए, देन सम ऑफ क्यू टर्म्स दिस इज बी, एंड सम ऑफ आर टर्म्स ये दिया हुआ है सी के इक्वल। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं इसमें, तो हमने ऐसे लिखा पी अपॉन टू इंटू टू कैपिटल ए अब लिख गया, प्लस एन माइनस वन लिखते हैं उसकी जगह हो जाएगा पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे ये प्रूव करना है, एक्सप्रेशन जो प्रूव करना है, कई बार प्रूव करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस रिटन, ए अपॉन पी, तो मैंने क्या करना है, ये वाला पी इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। तो देखो कैसे लिखा हमने इसको, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये हाफ इधर ही रह दिया, और ए के डिनोमिनेटर में पी लिख दिया। This I'm writing as first equation. इसी तरीके से जो sum of q terms है, ये b दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, now sum of q terms is b, that means q upon 2, 2a plus q minus 1d, this is equals to b. बिल्कुल सेम तरीके से q को भी हमने शिफ्ट कर दिया, हाफ इधर ही रखा हमने, so it is 2a plus q माइनस वन डी दिस इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए था बी अपॉन क्यू, इसको मान गया हमने सेकेंड इक्वेशन। एंड तीसरी हमारी एस आर इज इक्वल टू सी, इसको भी ऐसे लिख दिया आर अपॉन टू टू कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू सी। यहां से हमने फिर हाफ यहां पे रख के this is 2a plus r minus 1 into d is equals to c upon r. This is the third equation. ठीक है, ये हमारी होगी first, second, third, जिनको हमने जो ये प्रूव करना है हमको इसमें सब्सटीट्यूट कर देनी है सारी वैल्यूज, ये सब a upon p, b upon q and c upon r की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड of the expression what has to be proved. हमने लिखा now a upon q, LHS ले रहे हम, a upon q into sorry a upon p into q minus r plus b upon q into r minus p प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ये सारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमने ले लिया, इसको हम प्रूव कर देंगे जीरो के इक्वल। अब ये जो ए अपॉन पी, अभी बीच में मैंने इक्वेशन वन लिखी थी, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है,
तो क्या थी वैल्यू, हाफ 2a प्लस p माइनस 1 इनटू d। और ये जो साथ में q माइनस r है ये ऐसे दे दिया, ये प्लस b अपॉन q, हमारी ये वैल्यू है, इसको डाल दिया हाफ 2a प्लस q माइनस 1 इनटू d इनटू ये जो r माइनस p, ऐसे लिखा हमने, प्लस c अपॉन r, c अपॉन r की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, देखो अभी हमने लिखा हुआ c अपॉन r यहां पर इक्वेशन 3 में, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे as half 2a plus r minus 1 into d, और ये जो p minus q है ये इसके साथ, ठीक है। अब इन सब में तुम ये बाहर हाफ देख रहे हो, ये कॉमन है, तो ये हमने हाफ को कॉमन ले लिया। अब जब ब्रैकेट ओपन किया तो देखो क्या टर्म लिखी हमने, 2a into q minus r प्लस ये q minus r दोनों के साथ करें प्लस p minus 1 into d into q minus r प्लस, फिर ये हाफ हमारा बाहर इधर है और यहां पे भी हाफ, इसको भी मल्टीप्लाई किया 2a into r minus p प्लस q minus 1 into d into r minus p प्लस दिस इज हाफ, ये भी 2a into p minus q प्लस r minus 1 d into p minus q, ठीक है। अब इन सब में तुम देखो जो बाहर हाफ लिखे हुए तीनों में वो हमने कॉमन ऐसे ले लिया, और अब ये जो तीन टर्म्स है जिनको मैंने अंडरलाइन किया, इन तीनों में तुमने देखना है क्या कॉमन है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है तो 2a हमने कॉमन ले लिया, तो ऐसे बच गया फर्स्ट में ये q माइनस r, सेकंड में क्या बच गया प्लस, ये प्लस साइन था r माइनस p, फिर तीसरे में क्या बच गया p माइनस q, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ रेड जो अंडरलाइन किए वो ले लिए। अब जो अंडरलाइन नहीं किए ये तीन पार्ट्स, इन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो तुम लोग देखे हो d कॉमन तुम्हें लगेगा, तो d हमने यहां पे अब कॉमन ले लिया, और d कॉमन लेने पे देखो क्या रह गया यहां पर, p माइनस 1 इनटू q माइनस r, इसमें d कॉमन लेंगे तो बचेगा q माइनस 1 इनटू r माइनस p प्लस, इसमें d कॉमन लिया r माइनस 1 इनटू p माइनस q, सो पहले स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन मेन ब्रैकेट क्लोज, तो यहां पर इज इक्वल टू ये हाफ कर्ली ब्रैकेट, यहां पे तुम लोग देख रहे हो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव भी पॉजिटिव, ये सारे कैंसिल हो जाने टर्म, तो 2a के साथ ब्रैकेट में जब मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होते हैं तो हमेशा जीरो बचता है, ये ध्यान रखना, प्लस d into, ये d इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पहले p से किया तो pq minus pr, फिर माइनस वन से किया तो माइनस क्यू प्लस आर, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर इस ब्रैकेट को किया तो इसके साथ हम इधर लिख लेते हैं टर्म्स, तो क्यू इंटू आर माइनस पी क्यू, देन माइनस आर एंड प्लस पी प्लस, इसके साथ लिखा तो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी एंड प्लस क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज ऐसे लिख दिया। नाउ इधर देखना हमने टर्म्स, तुम देखोगे कि सारे टर्म्स PQ पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, PR एंड RP ये भी कैंसिल, QR एंड RQ ये कैंसिल हो गया, यहां पर भी हमारे ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव Q, फिर ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, तो यू कैन सी ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसिल, ये बच गया 2a into 0 0, यहां पे भी मैंने बताया था सारे टर्म्स कट गए तो 0 बच गया, तो क्या आंसर आ गया हाफ, ये तो जीरो था तो यहां पर भी जीरो, दैट मींस इट इज हाफ इनटू जीरो, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, सो आंसर हमारा क्या आ गया इक्वल टू आरएचएस, यही हमने प्रूव करना था कि इज इक्वल टू रिजल्ट कितना है जीरो, तो समझ आ गया। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही नए वीडियोस अपलोड होते हैं तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाए. थैंक यू स्टूडेंट्स.